नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंडित रामकिशोर शर्मा विद्यानगर भोपाल से आप लोगों के सामने वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसी से संबंधित बात लेकर आया हूं कि जो समय जो स्थिति परिस्थिति चल रही है हमें उसी में रहकर जीना सीखना है। जैसे कि इस समय कोरोना महामारी की जो वातावरण बना हुआ है हमको उसी में रहकर जीना सीखना है। इसके लिए हमें जो भी नियम बताए जाते हैं वह उसको फॉलो भी करना है और अपने काम भी करना है। तो ये जो लॉकडाउन मिला है जिसके भाग में जैसा भी मिला है उसको स्वीकार करना है और विश्वास के साथ उस पर विचार करते हुए जैसी परिस्थितियां हैं उनसे निपटते हुए अपने को कोरोना में जीना सीखना है। इसके लिए आप जहां कहीं भी हों या अपने कार पे अपने ऑफिस दफ्तर जाते हों निकलें तो मास्क लगाना, या घर पर ही हो दो चार दस लोगों के बीच में बैठे हों तो भी आपस में सभी लोग मास्क लगाकर रहें। इस प्रकार जो भी सरकार या संस्थाएं या समझदार लोग अपने को सलाह दे रहे हैं उस पर विश्वास करना है और उसी हिसाब से अपने को जीवन जीना है। पंडित विजय शंकर मेहता जी के अनुसार बताई गई बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि वेदों में पुराणों में भी वैद्य और दवा के अतिरिक्त भी दो बातों पर जोर दिया गया है। हमारे वेदों में शास्त्रों में वैद्य और दवा इन दो बातों के अलावा भी दो और अन्य बातों पर जोर दिया गया है, वह है विश्वास और संयम। विश्वास और संयम, तो विश्वास कैसा कि जो आज हमारी सरकार है हमारी संस्थाएं या हमारे जो समझदार लोग हैं जो अपने को सलाह दे रहे हैं उस पर अपने को विश्वास करना है और संयम से रहना है। संयम एक तरह से परहेज, संयम का मतलब परहेज कि आप घर से निकलें मास्क लगाकर निकलें, घर लौटें सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, इस प्रकार की संयम में रहते हुए। और जब मास्क मुंह पे लगा रहेगा तो आप को अब वर्तमान में नेत्रों की भाषा सीखना पड़ेगा, नेत्रों से ही बोलना, नेत्रों की भाषा समझना, यह अपने को बहुत जरूरी है। और यह नेत्रों की भाषा योग से आती है। अब जो भी है इस समय वह अपने को नेत्रों से ही बोलना है, नेत्रों से ही समझना है और नेत्रों से ही सीखना है। ये वर्तमान में बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में अभी इतने जल्दी तो यह परिस्थितियां समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए निवेदन सभी से यह है कि जो भी कोई सलाहकार कोई उचित बात अपने को बताता है उस पर विश्वास करें और संयम से रहें, कार्य करें। निश्चित रूप से हम उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे लेकिन उसमें लगेगा समय। इन्हीं सब बातों के बीच में आप लोगों को एक बात और, बहुत लॉकडाउन में व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को, नौकरी पेशा लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। उसकी भरपाई के लिए फिर मैं आपको एक बहुत ही उचित और बहुत अच्छा लाभकारी उपाय बताता हूं जिसको आप नियम के अनुसार करेंगे उसमें बहुत सारे लाभ हैं, वह मैं आप लोगों को बताता हूं। विंध्येश्वरी चालीसा पहले भी मैंने चर्चा करी, बहुत ही पावरफुल लाभकारी
विंध्येश्वरी माता का चालीसा है, इसी में उसकी फलश्रुति भी दी हुई है। यदि आपको विश्वास है और विश्वास करके आप मेरी बात पर उस कार्य को करेंगे तो आपको वह वह लाभ मिलेंगे जो उसमें दिए हैं। जैसे कि वाणी, अपनी वाणी की सिद्धता कैसी कि आप जो बोलेंगे वह होता है, या जो होना होता है वह आपको वह देवी आपसे वाणी से निकलवा देती, तो वाणी की सिद्धता उससे ही प्राप्त होती है विंध्येश्वरी चालीसा के पाठ मात्र से। कृपा करहूं मो पर महारानी और सिद्ध करही अम्बे मम वाणी। इस चौपाई का आप प्रतिदिन 108 बार जाप अकेली इस चौपाई का करेंगे तो इससे आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। ये स्वयं दिया है। किसी पर यदि कर्ज चढ़ गया हो इस लॉकडाउन के दौरान तो 100 बार इस विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिएगा। यह मेरा अनुभव सिद्ध प्रयोग है। इससे आपके लिए जहां से आपका पैसा रुका है या किसी ने ले लिया नहीं दे रहा वापस या आपको लेना है किसी से, ये सब कार्य आपके सनई सनई पूरे होने लगेंगे। आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। नहीं है कर्ज, पैसा धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। कैसे? 100 पाठ एक ही बैठक में करना है, संकल्प करके कि ये मेरा कार्य है, इसके निमित्त ये कार्य कर रहा हूं, ये मेरा आपसे निवेदन भी है और मेरा अनुभव भी है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से कहीं बंधन में है, किसी बंधन में है, किसी के बंधन में है, तो 1000 पाठ वो करेगा वो कैसे भी बंधन में होगा, निश्चित रूप से मां विंध्येश्वरी माता की कृपा से वह बंधन मुक्त हो जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो। इसी के तहत एक चीज और उसमें दी है कि यदि किसी के यहां पुत्र नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के यहां पुत्र नहीं है, पुत्र की अभिलाषा है, तो वह इस विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ 5 नवरात्रियों में लगातार करे, विधिवत देवी की पूजन करे, विधिवत देवी मंत्र का जाप करे और विधान के अनुसार जब उसका समापन हो उसका उद्यापन विधि विधान के साथ करे तो निश्चित रूप से माँ उसके यहाँ पुत्र प्रदान कर देती है। बोलिए विंध्येश्वरी माता की जय। आज के लिए दोस्तों इतना काफी है और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस विधि विधान न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आपने नहीं किया तो आप करिए, आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बातें आपको इससे मिलेंगी, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, जय माता दी।